नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जॉर्डन के हेलीकॉप्टर में सवार होकर रामल्ला पहुंचे थे पीएम नरेंद्र मोदी। इजरायली सेना कर रही थी निगहबानी। रामल्ला, पश्चिम तट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के दिवंगत नेता यासर अराफात के मकबरे पर 1 फरवरी को पुष्पचक्र चढ़ाया। फिलिस्तीन की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान यह मोदी का पहला कार्यक्रम था। फिलिस्तीन को भारत द्वारा एक देश के तौर पर मान्यता दिए जाने के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली फिलिस्तीन यात्रा है। मोदी जॉर्डन सेना के हेलीकॉप्टर पर सवार होकर अम्मान से सीधे रामल्ला पहुंचे, जहां फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री रामी हमदल्ला ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के हेलीकॉप्टर की सुरक्षा में इजरायली वायुसेना के हेलीकॉप्टर तैनात थे। हमदल्ला के साथ प्रधानमंत्री मोदी अराफात के मकबरे पर गए। 10 नवंबर 2007 को इस मकबरे का अनावरण हुआ था और यह फिलिस्तीन के राष्ट्रपति भवन परिसर मुकाटा के बगल में है। मोदी ने अराफात का जिक्र करते हुए ट्वीट किया, अबू अम्मार महान वैश्विक नेताओं में से एक थे। फिलिस्तीन के लिए उनका योगदान ऐतिहासिक है। वह भारत के अच्छे मित्र थे। मैं उन्हें रामल्ला में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अराफात को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री ने हमदल्ला के साथ अराफात संग्रहालय की सैर की। यह संग्रहालय अराफात के मकबरे के पास ही है। 11वें महीने की 11 तारीख को अराफात का निधन। मकबरे की हर दीवार की लंबाई 11 मीटर है और उनसे एक क्यूब बनता है। यह 11वें महीने की 11 तारीख को हुए अराफात के निधन का सूचक है। अराफात के मकबरे के बगल में एक मीनार है जो 30 मीटर ऊंची है। मीनार के शीर्ष पर एक लेजर प्रणाली है जो यरूशलम की दिशा में रोशनी की बौछार करता है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात के बाद संयुक्त प्रेस बयान के दौरान मोदी ने कहा कि फिलिस्तीन संघर्ष में अराफात का योगदान अविचल है। अराफात 8 साल तक फिलिस्तीन के राष्ट्रपति रहे। उन्होंने कहा, वह भारत के अभिन्न मित्र थे। उनको समर्पित संग्रहालय में जाना मेरे लिए अविस्मरणीय पल था। मैं अबू अम्मार को एक बार फिर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साल 1929 में काहिरा में जन्मे अराफात का निधन 11 नवंबर 2004 को हुआ था। वह 8 साल तक फिलिस्तीन के राष्ट्रपति रहे थे। साल 1990 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन PLO के प्रमुख ने इजरायल से वार्ता की थी और 1993 में उन्होंने ओस्लो समझौता किया, जिससे फिलिस्तीन को पश्चिमी तट और गाजा पट्टी में स्वशासन प्राप्त हो सका। साल 1994 में अराफात ने इजरायली नेता यित्झक रबिन और शिमोन पेरेज के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार जीता। दोस्तों, हमारी हर न्यूज को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।